हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रिंटर में इंक रिफिल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको अपने प्रिंटर में इंक कैसे रिफ़िल करनी है। तो ये आप देखिएगा, मेरे पास 3 कलर की ये इंक है जो कि मैंने कैनन प्रिंटर के लिए मंगाई है। जो मैं प्रिंटर पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैंने ये इंक मंगाई है। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास सियान कलर की इंक है और एक मैजेंडा कलर की है और येलो कलर की है। ये आप देख सकते हैं, ये जिस इंक को मैं ओपन कर रहा हूँ ये आपकी मैजेंडा कलर की है। ये आप इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा और इसको कैंची से काट कर आप इसको अलग निकाल कर रख लीजिएगा इस तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देख कर समझ जाएंगे कि आपको सावधानी पूर्वक अपने प्रिंटर में कैसे इंक रिफ़िल करनी है। ये वीडियो केवल आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे रिफ़िल कर सकते हैं अपने प्रिंटर में इंक। इस तरीके से येलो जो है इंक की बॉटल को आप निकाल लीजिएगा उसकी जो है पैकिंग से इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास तीनों इंक अब डलने के लिए रेडी हो चुकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इस तरीके से अपनी इंक की बॉटल को हिलाना है ताकि जो वो इंक होती है वो अच्छी तरीके से उसमें मिल जाए। और इस तरीके से अपने प्रिंटर को ओपन कीजिएगा। और ये मैं ट्राई कलर की इंक लाया हूँ। इस साइड में आप देखिएगा, तीनों कलर के इंक टैंक आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिएगा, तीनों कलर के, इसके ऊपर आपका डिस्प्ले भी बना हुआ है, ऊपर आपको तीनों कलर की जो है शेड दिखाई दे रही होगी ताकि आपका कोई मिसमैच ना हो कोई भी इंक का, इंक की बॉटल। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और इसके ढक्कन आप खोल लीजिएगा और जो भी शेड आपको ये दिखाई दे रही है उसी बॉटल को लीजिएगा और उसी शेड के सामने वाले टैंक में आपको इंक रिफ़िल करनी है। ये देखिएगा, येलो सबसे पहले हम लोग रिफ़िल करेंगे और ये देखिएगा इस तरीके से हम डालेंगे इंक टैंक में। ऐसे लगा दीजिएगा इसके मुँह पर और इस तरीके से इसको दबाइएगा तो आपकी इंक बॉटल से निकलने लगेगी और टैंक में भरने लगेगी। ये आप देखिएगा, इस तरीके से आप पुश करके दबाते रहिएगा और इसमें जो आपका जो इंक टैंक होता है बाहर से दिखाई देता रहता है कि आपको कितनी जो है उसमें निशान होता है कि आपको कितनी इंक इसमें फिल करनी है, कितनी इंक आपको भरनी है। तो गाइज़, ये आप ध्यान रखिएगा, टैंक से बाहर आपकी इंक ना आए, केवल आपको ये ध्यान रखना है उसमें जो निशान होता है उस निशान तक ही आपको इंक भरनी होती है। तो ये थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है, नहीं तो आपकी जो है इंक टैंक से बाहर आ सकती है तो वो आपका नुकसान हो सकता है। और उसका ढक्कन आपने लगा दिया है, इधर बोतल का ढक्कन हमने लगा दिया है। और इसके बाद हमने लिया है सियान कलर। सियान कलर को अभी रहने देते हैं, अभी मैजेंडा कलर जो है बीच वाला जो टैंक है वो मैजेंडा कलर का है। तो पहले मैजेंडा कलर को लेते हैं और मैजेंडा कलर को जैसे हमने येलो कलर को इंक भरी है उसी तरीके से मैजेंडा कलर की इंक भी हम इस तरीके से भर देंगे। तो गाइज़, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। केवल एक वीडियो देखने के बाद आप किसी भी प्रिंटर में, जो कि इंक टैंक प्रिंटर है, किसी भी प्रिंटर में बिना घबराए इस तरीके से इंक आप भर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, केवल थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। इस तरीके से फिल कर लीजिएगा। ये हमने मैजेंडा कलर की जो इंक है वो फिल कर दी है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसका हम ढक्कन लगा कर रख देंगे और वहाँ पर उसका हम ढक्कन लगा देंगे। ये आप देखिएगा, इस तरीके से ढक्कन लगा दिया है। और अब हम जो है इसमें डालेंगे सियान कलर की इंक। ये देखिएगा, इस तरीके से आप ज़रूर हिलाइएगा बोतल को, ठीक है, नहीं तो वो आपका जो लिक्विड है वो पतला, इंक जो पतली होती है वो आपकी आ जाएगी पहले और जो गाढ़ी इंक होती है वो नीचे रह जाती है। तो इस तरह का आप ध्यान रखिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आपको सियान कलर को अपने इंक टैंक में भरना है और इस तरीके से आप फिल कर लीजिएगा। तो कोई इसमें जो है आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और इधर आप मेरे लेफ़्ट साइड में प्रिंटर के देख रहे होंगे, ये ब्लैक इंक टैंक है, इसमें हम ब्लैक इंक फिल करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रिंटर में फिल की हुई है। तो गाइज़, इस तरीके से आप फिल कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कोई भी कैसा भी इंक टैंक प्रिंटर हो आपके पास, इस तरीके से हमेशा आपको फिल करना है। तो गाइज, इस तरीके से हमने फिल कर लिया है और इसका ढक्कन अब हम लगा देंगे और इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो भी हम लोग लगा देंगे।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।